parents, welcome to IFS platform. Here as parents, again I am with you people with a new success story. आज हम मिलने वाले हैं संजीता बादल जी से कि किस तरह से उन्हें अपनी तैयारी की CSIR NET examination की and with flying colors she has a JRF now. तो क्या उनकी strategy रही, किस तरह से हर एक point पर जहां भी वो demotivate होते थे, जहाँ भी थोड़े बहुत मार्क्स कम हो गए, किस तरह से अपने आप को वापस से ट्रैक पर लाकर अपने गोल की तरफ दोबारा लग जाते थे. तो आज की जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए. उन सभी चीजों का एग्जाम्पल आज हमारे साथ रहेंगी संजीता. तो किस तरह से प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने प्रिपरेशन के समय फेस की, चलिए तो मिलते हैं सबसे पहले. हेलो संजीता एंड एन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू डियर. थैंक यू मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग डियर. कैसे हैं आप? ठीक हूं मैम. और इस सक्सेस की उम्मीद थी? यस मैम. इतनी मेहनत कर ली थी तो उम्मीद हो ही गई थी. यस मैम. चलो बहुत बढ़िया बात है. किस तरह से आपने ये जर्नी की शुरुआत करी संजीता, talking about the CSIR NET examination, किस तरह से इस examination के बारे में आपको पता चला and then you thought कि नहीं मुझे examination target करना चाहिए? Yes ma'am. ma'am, जैसे ना हमारे background है, जैसे family background में, तो वहाँ पे सभी doctors हैं, UPSC crackers हैं, तो उनको पसंद ही नहीं था मैं इस field में जाऊँ. but मैंने सबके ऊपर से होके बोल लो आप, मैंने BSc किया, MSc किया, उसके बाद बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होता है नेट जेआरएफ निकालना. बट मेरे को था कि मेरे को निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है कैसे भी करके. तो मैं मेहनत की इसके लिए, आप सबका बहुत बहुत हेल्प किया आप सबने बस मिलके, और कर दिया मैम क्रैक. अच्छा, बस कर लिया क्रैक, बहुत मेहनत की. तो मेहनत की शुरुआत कहाँ से थी मैं ये पूछना चाह रही हूँ संजीता कि व्हाई IFS, व्हाई यू चोज द प्लेटफॉर्म IFS फॉर योर प्रिपरेशन, व्हाई द ट्रस्ट टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म? यस मैम, बिकॉज मैम जैसे पढ़ने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मैम, बट ये है कि फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है मैम जिस टीचर के साथ में. जैसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हो, स्माइलिंग फेसेस होते हैं सभी के, तो मतलब बच्चे को है ना कभी बोर नहीं लगता पढ़ते हुए. तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, समझते रहते हैं, इसलिए संजीता को भाई हमारे टीचर्स पसंद आए थे कि सब स्माइल करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, तो मजाक मजाक में पढ़ाई हो जाती है. ये तो है ही, ये तो है ही. तो बहुत अच्छी बात है, ये तो है ही. तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे प्रोडक्टिव क्या लगा आपको पूरे इसमें, आपके जो भी आपने यहाँ से पढ़ा इस प्लेटफॉर्म से, सबसे प्रोडक्टिव क्या लगा आपको? सबसे प्रोडक्टिव तो मैम केसी सर के लेक्चर्स, मतलब जो बहुत वीक थी मैम उन्होंने बहुत अच्छा किया, बाकी सभी टीचर्स के अच्छे हैं मैम. आपने मूल बायो, मेरे को जितनी इंटरेस्ट है मेरा मूल बायो में, हाँ पढ़ा, तो उससे भी ज्यादा आपसे कुछ सीखने को मिला मेरे को. सभी टीचर्स ने बेस्ट करवाया मैम. ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ संजीता, तो व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन? क्या चैलेंज था आपके लिए? टाइम मैनेजमेंट चैलेंज था या सिलेबस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था आपको? क्या मेजर चैलेंज था आपके लिए? मैम सिलेबस तो जैसे स्टार्टिंग में तो लगता था बड़ा, फिर धीरे धीरे मेन था मैम कि सिलेबस हो रहा है बार बार और रिवीजन भी अच्छे से हो गई थी, बट यही था कि एक टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था ढंग का, तो उसको बहुत पूरे प्रिपरेशन फेज में बहुत मुश्किल से टाइम को मैनेज करके चली हूँ. यस, टाइम मैनेजमेंट अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा आर्ट है, और जो टाइम मैनेज का आर्टिस्ट है वो बहुत ज्यादा अगर हम बोलते हैं तो बहुत अच्छे से छोटे छोटे काम भी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से कर पाते हैं. तो टाइम मैनेजमेंट एक डिफिकल्ट टास्क रहा आपके लिए, और किस तरह से आपने 13 यूनिट्स को टारगेट किया? यस मैम, 9 to 10 ही यूनिट टारगेट किए थे मैम, इसमें से बाकियों को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया था नोट्स में, तो उनको भी मैंने लास्ट में रिवाइज किया था मैम. तो कहीं ना कहीं जो जैसे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, तो जो मोल बायो तो बहुत ही फेवरेट है मैम, फिजियो, तो इनको तो ये था कि इनको तो एक बार रिवाइज कर लिया, बार 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 शॉर्ट नोट्स बना बना के, ट्रिक्स बना बना के पढ़ते रही मैम, तो ऐसे करके हो गई थी मैम कंप्लीट. ओके, तो शॉर्ट नोट्स कितने हेल्पफुल रहते हैं प्रिपरेशन में? यस मैम, मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉर्ट नोट्स ने बहुत हेल्प किया है मैम, मतलब बहुत ही पूरी कंप्लीट है, आप एक बुक को ही कंप्लीट बिल्कुल लगभग 12-13 पेज में कंप्लीट करके पढ़ रहे हो, तो बहुत फायदा होता है मैम लास्ट के प्रिपरेशन में.
लास्ट 1 to 2 डेज में. ओके, सो डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट है, खुद के नोट्स इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, रिविजन इम्पोर्टेंट है. अगर हम बात करें तो एक पूरा शेड्यूल में फिट हो गए होगे आप, जिसकी हेल्प से आप ये सक्सेस अचीव कर पाए हैं. तो इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट मेंटर्स ने जिन्होंने मुझे टीच किया, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे आप सबने, और साथ में मैम घर वालों ने बहुत साथ दिया है, कहीं ना कहीं वही होते हैं मैम मेन फैक्टर्स. तो थैंक्स टू ऑल. थैंक्स टू. यस आयशा, हैव आई इंटरप्टेड यू? ओके, तो फर्दर ऑन मूविंग, तो देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ ऑन अ लार्जर स्केल, योर जर्नी वॉज रियली वेरी गुड. आपने खुद से भी मेहनत की, बहुत अच्छी रही. लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा फेज तो आता है ना जहाँ हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं. सपोज हमने टेस्ट सीरीज ली, उस टेस्ट सीरीज में हमारे कम मार्क्स आए, तो कैसे अपने आप में अपने आप को आपने मनाया, रिजनरेट किया कि नहीं मैं कर लूंगी? वॉट वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर फॉर यू? यस मैम, डीमोटिवेशन तो मैम नॉर्मली आता रहता था, जैसे टेस्ट सीरीज कई बार नॉर्मली ज्वाइन की नहीं की, नॉर्मली कभी भी क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं तो भी मैम लगता है कि सॉल्व नहीं हो रही, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं. था कि कोई बात नहीं, करना है ये तो मतलब पढ़ते जाओ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ. एक टाइम तो ऐसा आता ही है कि आपको मतलब आप नॉर्मली 50-80% नॉर्मली आ जाते हो आप धीरे धीरे करते करते. अगर कंटिन्यूटी के साथ एक शेड्यूल में फिट होते हुए करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तो यू कैन अचीव दैट मार्क व्हाट यू वांट. सो ओके संजीता, एंड फर्दर ऑन मूविंग ऑन, तो यू स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब डेफिनेटली, एंड देन यू मींस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा आपने, आपने टेस्ट सीरीज के थ्रू. तो कितना अपने आप के लिए मुश्किल था दूसरे सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखने का, जो सोशल इन्फ्लुएंस हम अदरवाइज इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, एन नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस की बात करें, तो उससे अपने आप को कैसे आपने डिस्टेंस रखा और अपना गोल क्लियर रखा अपने माइंड में? यस मैम, वैसे तो मैम आज तक मैंने सोशल मीडिया ऐप को यूज नहीं किया, ओनली व्हाट्सएप और यूट्यूब बोल लो आप इसको. तो टू मंथ तो मैंने व्हाट्सएप को भी हटा दिया था फोन से. घर वालों को पता है प्रिपरेशन कर रही है, तो फ्रेंड्स को भी पता था, तो कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो ओनली ऑन बस क्योंकि आपको पता है फोन ही है, अच्छे से यूज करो तो आप बहुत अच्छा हो सकता है. एंड अगर आप किसी एक गोल के लिए लड़ रहे हैं, एक गोल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दूसरे डिस्ट्रैक्शन अपने आप निल आउट हो जाते हैं, नल आउट हो जाते हैं, अगर आप अपने गोल के लिए बिल्कुल टारगेटेड है. तो अगर मैं बात करती हूँ तो आगे क्या करना चाह रही हो आप संजीता? राइट नाउ तो आपने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है अगेन विद अ सीएसआईआर नेट जेआरएफ रिजल्ट, तो आगे क्या प्लान है आपके? अभी मैम पीएचडी में ही एनरोल करना है मैम अभी तो. अच्छा, पीएचडी में एनरोल करना है, एंड फर्दर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? मैम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मैम. ओके, यू वांट टू बी लाइक एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू टीच द स्टूडेंट्स टू बिकम अ मेंटर, दैट्स रियली नाइस. बिकॉज जितने ज्यादा स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करो उतना मजा आता है, जैसे कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, एंड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड अगेन लर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम रिवाइव करते रहते हैं बार बार टीचिंग में. तो टीचिंग में ऐसा आपको क्या लाइवली लगता है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर? मैम टीचिंग में ये मतलब लगा लो कि बोलते हैं ना मैम, पैशन लगा लो, खुशी लगा लो मन को होती है कोई काम को करके. मैम रिसर्च में हमेशा से ही, तो मतलब टीचिंग पढ़ा भी रही हूँ बच्चों को, तो हमेशा से ही है कि टीचिंग फील्ड में जाना है, कुछ ना कुछ बेस्ट ही करना आगे जाके. सिखाना है तो किसी को, बस जितना मुझे आता है मैं सामने वाले को सिखा दूँ, बस वही बहुत है कहीं ना कहीं. मतलब बोला आपको पता ही, आप खुद टीचर हो मतलब. ओके संजीता, सो फर्दर जो भी स्टूडेंट्स, जो भी सीएसआर एस्पायरेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एक सक्सेस मंत्रा होगा, क्या एक मंत्रा होगा कि वो अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से स्ट्रैटेजिकली प्लान करके अपना बेस्ट दे पाए? ओके मैम, यही है कि मतलब आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक मतलब मन में ठान लो कि मुझे बस यही करना है. तो मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो, अच्छे से पढ़ो उस चीज को, उसके क्वेश्चन तो सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है. और इसके अलावा मतलब जो सोच लिया उसको करना है, बस कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो,
डिमोटिवेट भी होते हो तो कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करते रहो, पेरेंट्स वगैरह से मोटिवेशन लेते रहो, टीचर से कर दोगे, सभी क्रैक कर देते हैं मैम, बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहिए, शिद्दत से पढ़ते रहिए, कर तो आप लेंगे ही, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सेल्फ डाउट मत रखिए। यस यस मैम। ओके संजीता, थैंक यू सो मच फॉर फिगरिंग आउट द टाइम फॉर दिस इंट्रैक्शन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच डियर। तो हमारे साथ थी अभी आज, जैसा कि आपने देखा, एक बहुत ही मोटिवेटेड स्टूडेंट जिन्होंने CSIJRF विद फ्लाइंग कलर्स क्वालिफाई किया है। ना सिर्फ इतना, उनकी जर्नी से एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है कि कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी कितनी मायने रखती है, और एक फ्री हार्ट होकर, पैशनेट होकर अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए, कोई आपको हरा नहीं सकता। सेल्फ डाउट में ना रहते हुए फेलियर का सामना कर लेंगे ये सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस जरूर आपका होगा। हर एक स्टोरी की यूनिक बात है, एंड अगेन स्टोरी की क्या यूनिक बात आपको लगी जरूर पिनअप करिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलते हैं विथ न्यू सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।